हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो मैं शशि टैगोर पॉइंट्समैन आज आ रहा हूँ अपने ड्यूटी पर। देखते हैं आज हम लोगों को कौन सा वर्क मिलता है दोस्त। ठीक है, यहाँ पे बहुत प्रकार का वर्क है। जैसा कि मैं रोजा जंक्शन पे हूँ, जो कि हमारा शाहजहाँपुर से 7-8 किलोमीटर पीछे लखनऊ रोड पे पड़ती है दोस्त। तो आज हम लोग जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या आज हम लोग करते हैं। तो मेरा यह फर्स्ट व्लॉग है दोस्त, बिल्कुल आप इसको लाइक करें, पसंद करें और इसको आगे तक जाने दें। थैंक। मेरे जो क्वार्टर है दोस्त, उसके आसपास के इस टाइप के नज़ारे हैं और हम लोग जा रहे हैं अपने ड्यूटी पे। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं हूँ शशि टैगोर और मेरे साथ दो और साथी हैं जो कि जा रहे हैं। हम लोग साथ में पॉइंट्समैन बने हैं दोस्त। तो इनका नाम है अंकित। आपका नाम? आशुतोष कुमार। बिल्कुल, हम लोग अपने रूम से निकल चुके हैं और आगे आप देख पा रहे हैं कि एक मालगाड़ी लगी हुई है। ठीक है दोस्त, इस प्रकार के नज़ारे हमारे रोजा जंक्शन का दोस्त। आप देख पा रहे हैं कि रूम से थोड़ी सी मात्र दूर जो है आपका टिकट सेंटर है। आप वेट भी करते हैं, यहीं पे टिकट लेते हैं। ये रोजा जंक्शन का टिकट हॉल है, आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्त। और इस प्रकार से हम लोग जो है ब्रिज से अपने सबसे पहले अपना SM जो है स्टेशन मास्टर को जाके इन्फॉर्म करेंगे कि हम लोग प्रेजेंट हो गए हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, मैं ब्रिज से पूरी नज़ारा आपको पेश कर रहा हूँ रोजा जंक्शन का। देखिए कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई है एक साथ। अपना जो स्टेशन मास्टर का जो रूम है वहाँ पे जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रोजा जंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, पानी यहाँ की फ्रीज होके पानी निकलती है, बहुत ही ठंडा पानी मेरे दोस्त, यहीं से हम लोग पानी पीते हैं। बहुत दूर जानी पड़ती है यार, मालगाड़ी जो है जितना पीछे है सबसे पिछला हिस्सा जिसका गुड्स गार्ड नहीं होते हैं उसको कंटिन्यूटी करानी पड़ती है मेरे दोस्त। और ये काम हम लोग पॉइंट्समैन का ही है। और हम लोग जा रहे हैं, देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है बोगियों की, उसके सबसे पिछले हिस्से हम लोग जाने वाले हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं कितना लंबा है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मेरे दोस्त, और इस जो है आपका ट्रेन का हम लोग कंटिन्यूटी कराएंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसके पीछे गुड्स गार्ड नहीं रहते हैं, उसका पॉइंट्समैन ही कंटिन्यूटी कराते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी करने का मतलब है प्रेशर को रिलीज करना। देखेंगे हम लोग बारी बारी से कंटिन्यूटी कैसे होता है मेरे दोस्त, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये जो आपको सीट दिख रहा है यहीं पे गुड्स गार्ड रहते हैं, और गुड्स गार्ड नहीं है जिनको हम लोग ट्रेन मैनेजर भी कहते हैं। तो कंटिन्यूटी अभी हम कराएंगे। कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त, अभी देखिए यहाँ पर जो है आपका प्रेशर पाइप है। इस प्रेशर पाइप को हम लोग जो है जो इसका क्रू है, क्रू बोले तो लोको पायलट, इससे बात करके रिलीज करेंगे, यही कंटिन्यूटी करना होता है। तो आप देखेंगे अभी मैं जस्ट बात करने वाला हूँ दोस्त। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त जो है अभी जस्ट जो है अपना जो लोको पायलट से मैं बात करके, ठीक है ये जो आपका दिख रहा है इससे प्रेशर को मैं रिलीज किया हूँ, जस्ट इसके नीचे प्रेशर ला दिया। ठीक है, इसके बात करने के बाद जो है जो फोन पे ही रहेंगे वो, और बोल देंगे रुकने के लिए तो रुक जाएंगे। हम लोग निकल के झंडी बांधते हैं। ठीक है, लाल झंडी यहाँ पे लगाते हैं दोस्त, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हम लोग को ये देख लेना है कि लाल झंडी है कि नहीं है। ठीक है, यही कंटिन्यूटी करना होता है। इस प्रकार से हम लोग कंटिन्यूटी को पूरा कर लिए और हम लोग निकलते हैं। मेरे कंटिन्यूटी कराना बड़ी बात नहीं होती है दोस्त, बस यहाँ से जो पैदल जाना होता है अपने स्टेशन तक, ठीक है वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है दोस्त। हेलो मेरे दोस्तों, पॉइंट्समैन का ही काम है कॉशन देना। ठीक है, मैं जस्ट अभी जा रहा हूँ कॉशन लेकर, जो लोको पायलट हैं उनको दूंगा कॉशन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और इस कॉशन को देने के बाद जो है उनसे रिसीविंग ले लूँगा। ठीक है दोस्त, वहाँ पे लोको पायलट होते हैं तो वहाँ पे जाके कॉशन देना है उन लोगों को। कॉशन में क्या क्या होता है आप देख पा रहे हैं,
क्वेश्चन में जो है आपको स्पीड में देखना है कहाँ से कितना स्पीड क्रॉस करना है, ठीक है। लोको पायलट और गुड्स गार्ड्स दोनों को क्वेश्चन देने होते हैं और रिसीविंग लेने होते हैं मेरे दोस्त। तो आगे सबसे मैं अगले हिस्सा में जाऊंगा वहां पे जहां लोको पायलट है। क्वेश्चन जब तक नहीं देंगे ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए देना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन, जिसमें स्पीड मेंटेन रहता है कौन से स्टेशन पे कितने स्पीड में क्रॉस करने हैं। इस प्रकार से मैं जल्द ही क्रू, जिसको लोको पायलट भी कहते हैं, क्रू को जस्ट जाऊंगा और क्वेश्चन दूंगा, उनसे सिग्नेचर लेकर वापस फिर स्टेशन जो तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से मैं लोको पायलट से रिसीविंग लेकर वापस जा रहा हूं स्टेशन मास्टर को सौंपने कि मैंने रिसीव करा दिया उनको, ठीक है, उनको दे दिया हूं और अब क्वेश्चन मिल गया, अब ये ट्रेन आगे बढ़ेगी मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन मिलते ही ट्रेन जो है स्टार्ट हो गया और जाने लगा। ए मैं देने जा रहा हूँ समरी, जब गार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, किसी ट्रेन के पीछे, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका जितने भी डेटा है वो लोको पायलट्स लिखते हैं, उसी समरी को हम लोग पीछे देने जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं दोस्त, मैं लेके जा रहा हूँ TLM है। ये क्या होता है, जब गार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, तो रात में इसको जला दिया जाता है, ठीक है, टेल लैंप है, इसको जला के पीछे लटका दिया जाता है दोस्त, ठीक है, ये टेल लैंप जब गार्ड नहीं होते। अब गार्ड सब चढ़ गए उस पर, तो क्या हुआ, उनको आगे का समरी दे दिया, ठीक है, और ये TLM मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे ऑफिस में जमा करने। थैंक यू मेरे दोस्त। यही TLM है जो देख पा रहे हैं आप मेरे दोस्त, इसी के द्वारा जो क्या हो जाता है, इसको लटका दिया जाता है जिस मालगाड़ी के पीछे जो है, या कोई गाड़ी के पीछे जब गार्ड नहीं होते हैं तब इसका यूज किया जाता है TLM का। तो फाइनली हम अपने रूम की ओर, क्वार्टर की ओर जा रहे हैं दोस्तों, और शाम के 4 बज चुके हैं, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, अब हम अपने रूम की ओर जा रहे हैं।